Big Business Ideas. हर दिए के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। ना जाने क्यों लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, जबकि हर मुसीबत के पीछे जीत का बसेरा होता है। और आपके बिजनेस लॉस की मुसीबत के पीछे आपके व्यवसाय की सफलता का जो बसेरा है, उसे आपसे रूबरू करवाने के लिए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर आपका चहेता कार्यक्रम बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टफ फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है, और ये भी सच है कि जिन विकासशील देशों में युवा जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ की अर्थव्यवस्था तब तक सशक्त नहीं हो सकती जब तक उन युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों की सुरक्षा पर निवेश ना हो। और ये वही निवेश है जो आगे चलकर हमारे देश के व्यवसायियों को स्थापित करता है। तो क्या भारत में इसका ख्याल रखा जा रहा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम नन अदर देन द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आइए प्लीज। सुनील जी, इंडिया इज द कंट्री विद द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन आई मस्ट से, और हम लोग कहते भी हैं कि हम इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के समय में जो परिस्थितियां हैं, ऐसा संभव है या कुछ संभावनाएं आप देखते हैं इसमें? मुझे लगता है देश में पहली बार यूथ को जितने अवसर मिले हैं, क्योंकि पहली बार ऐसी योजनाएं आई हैं जिसमें यूथ यदि अपना कोई कारोबार करना चाहता है, अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है या अपनी कोई सर्विस यूनिट शुरू करना चाहता है, तो उसको लोन बिगर कोलैटरल सिक्योरिटी के मिलता है। क्या बात है, बिगर किसी गारंटी के मिलता है। तो कुछ युवा आगे बढ़ के इंडस्ट्री लगाएं या अपने सर्विस यूनिट लगाएं और बाकी युवा को नौकरी दें, तभी देश आगे बढ़ सकता है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, जो कि एक बिल्कुल डिफिकल्ट एरिया है, तो आप यदि कोई भी योजना लेते हैं तो उस योजना में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग हैं या जो JNK के लोग हैं, उनको विशेष सुविधा दी जाती है। जैसे उनके मार्जिन मनी कम होते हैं, उनको यदि नॉर्मल को सब्सिडी 25 है तो उनको 35 मिलती है। जी, जी। और एक बहुत अच्छी बात जी। अभी अक्टूबर के मंथ में ही एक बहुत बड़ा फंड लॉन्च करने जा रही है सरकार, जिसको नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड का नाम दिया गया है। ओह ब्यूटीफुल। जो लगभग 100 करोड़ से लॉन्च हो रहा है। क्या बात, ये नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे युवा हैं, जो IT सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, टूरिज्म में कुछ करना चाहते हैं, कोई नया अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उनके वेंचर के लिए वेंचर फंड और सॉफ्ट लोन, इक्विटी फंड, बहुत सारी स्कीम है। तो ये अब एक नई शुरुआत हुई है, साथ ही ऐसी बहुत सारी और स्कीम्स भी हैं जिनके बारे में हम जरूर आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिक्र किया है एक ऐसे रीजन का जिसे इस वक्त हम सभी को हाथ मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कहीं हमसे अलग नहीं है, हमारा अपना ही हिस्सा है। तो वहां से ही हमारे स्टूडियो में एक ऐसे पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं जो कि उन्हें रिप्रेजेंट भी करते हैं और हर तरीके से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्हें आमंत्रित कर लिया जाए। जरूर। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हमारे देश के एक जांबाज सिपाही हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व जो अपनी रेगुलर पुलिसिंग जॉब के साथ साथ हर भारतवासी को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। आप ना केवल एक सजग पुलिस ऑफिसर हैं, बल्कि आप एक ऐसा चेहरा हैं जिस पे लोग विश्वास करते हैं। बात चाहे गरीब असहाय लोगों की मदद की हो या आने वाली नस्ल को समृद्ध करने की, दिस मैन इज ऑलवेज देयर इन फुल फोर्स। ही इज द नोडल ऑफिसर फॉर नॉर्थ ईस्ट पीपल। प्लीज वेलकम द जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, श्री रॉबिन हिबू। नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। प्लीज नमस्कार सर। बैठिए सर। हिबू सर, फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग। जब हम लोग सोशल मीडिया पे पहला क्लिक करते हैं और अगर कोई भी नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति मदद के लिए देखता है, तो क्यों उसके सामने आप ही का चेहरा आता है? यू आर अ रॉकस्टार ऑन सोशल मीडिया आई मस्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल दैट कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो युवा हैं, लोग हैं, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं। और हम चाहते हैं कि इस मीडिया को क्यों ना हम उन नौजवान के लिए, जो अगर हमसे जो पुलिस ये जो काम हो सकता है उसे हम करें, जिसका तहत हमने फेसबुक लॉन्च किया है, दिल्ली पुलिस फॉर नॉर्थ ईस्ट फॉक्स, जिन्होंने 2 साल के अंदर 1,08,75,000 कल तक का, मतलब सारे दुनिया से वो हमें संपर्क में है। उसके बाद हमारा दिल्ली में हमने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप,
इट्स अ हेल्पलाइन व्हाट्सएप इमरजेंसी है व्हाट्सएप इमरजेंसी जो हेल्पलाइन ग्रुप है उसमें हमारा 24 ग्रुप है तो जब भी जिस ग्रुप का जरूरतमंद होता है उसी को हम अपलोड कर देते हैं कभी कभी क्या होता है कि उनको विक्टिम को भाषा में प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में तो उनको हेल्प करता है भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल में जाकर उसको मदद करता है तो इट हैज बिकम मैं तो कहूंगा कि लाइफ सेविंग सोशल मीडिया फॉर कॉमन पीपल। आप जिन स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं क्या इनको भी पॉपुलराइज किया जा रहा है डिजिटल मीडिया का माध्यम लेकर? नहीं, उस हद तक नहीं किया जा रहा, जरूर किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। क्योंकि जो डिजिटल इंडिया की मुहिम है उसका मतलब ये था कि जितनी भी हमारी स्कीम है, जैसे मैं जो भी स्कीम बताऊंगा आज, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट रीजन की स्कीम बताता हूँ तो मैं श्योर हूँ क्योंकि वो उन लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि यदि वो स्कीम उनको पता होंगी तो युवा ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा और उनका फायदा उठा के मेन स्ट्रीम में आ पाएगा और अपने साथ साथ और 10-20-50-100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, अब रही अब दिल्ली की बात, अब सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जमीन दिया है नोटिस पीपल के लिए, एक जो स्पेशल पुलिस यूनिट के लिए 24 करोड़ जो है मिनिस्टर ऑफ वेलफेयर एंड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर ने पैसा हमें अलॉट किया है। स्पेशल रिक्रूटमेंट अभी 450 रिक्रूटमेंट ऑलरेडी करके लड़के आ रहे हैं। उसके बाद में हमारे ऑफिसर को जैसा अभी इमोशनल बॉन्डिंग के लिए एसीपी और उनको नोटिस भेजा जा रहा है ताकि कल्चरल उनका एक्सपोजर हो। उसके बाद में हमारा एक स्पेशल पुलिस यूनिट भी यहाँ ऑलरेडी खोल दिया गया, एक 1093 जो लाइफ लाइन है नोटिस का, वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। आई थिंक जो सरकार जो कर रहा है पूरा का पूरा जोर शोर से दे रहा है। अब इनको जरूरत है ये ग्रामीण तक पहुंचा है, कोहिमा में, झुनेबुत्तो में या अनिनी में, जो दूर दराज है उन पहाड़ी तक जाना चाहिए, लोगों को पता हो कि सरकार ने हमारे लिए ये क्या करा। इसमें ज्यादा जोर देना जरूरी है। मतलब नेशनल इंटीग्रेशन के साथ साथ इमोशनल इंटीग्रेशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन शायद कुछ लोग हैं जो इस बात को कभी कभी नहीं भी समझ पाते, कुछ झलकियां हैं जो आप लोगों के साथ हम जरूर बांटना चाहेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, भारत की माला के ये वो 8 मोती हैं जो हमारे देश की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अनेकता में एकता का नाम है भारत, फिर भी हकीकत कभी कभी भयानक होती है। मेरा लड़का जो बिजनेसमैन भी नहीं था, नंबर 1, पॉलिटिशियन भी नहीं था, तो झगड़ा वगैरह करता भी नहीं था। इट वाज नॉट लाइक मैच्योर मैन, 19 इयर्स ओल्ड। कुछ रीजन होता है आदमी को मारने के लिए। यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तो क्लियरली बोला है। चाहता था मम्मी पापा आप ये काम करो, नॉट ईस्ट का इतना टॉर्चरिंग हो रहा। नॉट ओनली तान्या, कितना मरा है, कितना सड़क में मरा है, काम में चोचो मोमो चिंकी, कितना रैगिंग होता है, बहुत कुछ हो रहा है, मतलब ना अभी भी हो रहा है। इट्स डिस्टर्बिंग। यस, इट्स डिस्टर्बिंग। हमें यस ये रिकॉर्ड में भी आया हुआ है, इस तरह का जो है ना जो डिस्क्रिमिनेशन है। हमें मुझे भी बुलाया था बहादुर, मोमो, चिंकी, बट वन थिंग यू मस्ट रिमेम्बर दैट हम जैसे भी लोग हैं हिंदुस्तान में, पगड़ी पहने हुए सरदार जी लोग हैं, लुंगी पहने वनकम फ्रॉम तमिलनाडु है, धोती पहने हुए ताऊजी हरियाणा है। तो इस एकता और अनेकता को हम आपका थ्रू माध्यम से दिखाना चाहिए, ताकि जो भी जो कम्युनिकेशन गैप है, जो जानकारी नहीं है, उनको अगर हम दूरी करें तो ये हम जो अभी जो प्रॉब्लम फेस करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे में ये एकता, इस देश के एकता और अनेकता में मजबूतियाँ होंगे। अभी हमने क्या किया, हम लोग ने कि हमने देखा गया कि मोर देन 11 लाख में से 9 लाख मोर देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, चाहे उस स्पा में हो, बीपीओ हो, मॉल में हो, कहीं भी हो, तो उनका पे इतना ज़्यादा नहीं है। इसीलिए हमने अंडर सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनिशिएटिव पे 51 हॉस्पिटल दिल्ली को हमने अप्रोच किया है, इंक्लूडिंग मैदानता, गंगाराम, फोर्टिस, मैक्स हॉस्पिटल्स, BL कपूर एंड जितना भी सब टॉप हॉस्पिटल है, तो उन्होंने सबने CSR इनिशिएटिव के अंदर 20% से लेकर के 60% तक का
जो नोटिस से जो दिल्ली में एनसीआर में काम कर रहे हैं, जो सरकारी मुलाजिम नहीं है उनको कंसेशन दे करके, और मैं सबको बताता हूँ कौन कहता है कि दिल्ली वालों का पास दिल नहीं है, यही बाय है मदद करने के लिए, ये लोग तैयार हैं और उन्हें अवेल कर रहे हैं। सुनील जी देखिए, जब कोई विक्टिमाइज हो जाता है तो उनकी मदद करने के लिए आप जैसे लोग हैं, लेकिन वो विक्टिमाइजेशन हो ही ना, इसके लिए आपको क्या लगता है कि व्यवसाय एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है उन लोगों के लिए जो इन आपराधिक गतिविधियों में लगे हुए? बिल्कुल कर सकता है। मुझे लगता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी युवा को यदि आप रोजगार नहीं देंगे तो वो कुछ ना कुछ बुराई की तरफ चला जाता है, लेकिन यदि उस युवा को उसकी एनर्जी को आपने चैनलाइज कर दिया तो वो देश के तरक्की में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो समय आया है हमारे देश में, ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हर वर्ग के लिए सबसे ज्यादा पहली बार है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमारी मुद्रा योजना है उसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है, जिसमें किसी थर्ड पार्टी की गारंटी की जरूरत ही नहीं है, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, 2 लाख तक के लोन में कोई मार्जिन नहीं चाहिए यदि आप छोटा मोटा कोई काम करना चाहें, और अगर इससे थोड़ा ज्यादा करना चाहें जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसमें 25 लाख तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस सर्विस के लिए 10 लाख तक की होती है, जिसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट और जो हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर हैं या एससी एसटी हैं उन सभी वर्गों के लिए जो मार्जिन है कुल 5%। मार्जिन के अलावा जो आप पूरी प्रोजेक्ट में लगाते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख का प्रोजेक्ट लगाया और यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तो 3.5 लाख की सब्सिडी है जो आपको वापस नहीं करनी, जो गवर्नमेंट देती है, और अगर आप शहरी में हैं तो 25% की सब्सिडी है, मतलब 10 लाख में से आपको 2.5 लाख रुपए आपने लगाना कुल 50,000 रुपए है जी, और 2.5 लाख या 3.5 लाख की सब्सिडी भी है। तो इसी प्रकार से जितनी भी योजनाएं हैं उन सब योजना में नॉर्थ ईस्ट एससी एसटी कैटेगरी जेएनके और वुमेन एंटरप्रेनर इन सब के लिए विशेष सुविधा रखी हुई है। एक और योजना है बहुत बड़ी जो एमएसएमई मिनिस्ट्री की है, 1 करोड़ तक का, जिसमें कोलैटरल सिक्योरिटी फ्री लोन मिलता है, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट और जेएनके के लोग जो हैं उनके लिए विशेष सुविधा है, एक अपफ्रंट फीस लगती है उसमें जो गारंटी के रूप में काम करती है, वो उनके लिए कुल 50% देनी होती है उन्हें। मतलब सरकार ना सिर्फ हमें सफलता का रास्ता दिखा रही है बल्कि हाथ पकड़कर हमें उस पर चलना भी सिखा रही है। मैं बहुत अच्छा आपने आइडिया बताया, आपने जितना भी इनिशिएटिव, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, एक नए शुरुआत है, बहुत अच्छा है, बहुत उम्मीदें हैं स्टार्टअप ये, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो जहां से हम आते हैं कि उसमें 2-3 चीज बेसिक आपको करना जरूरी है, आई थिंक सरकार बिल्कुल उस पर फोकस भी कर रहे हैं। वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप कम्युनिकेशन ही नहीं है आप कैसा करें, नंबर वन। नंबर टू कनेक्टिविटी, नंबर थ्री पावर, इस तीनों को डेवलप करो फिर आगे में, और आगे ये चलेगा नहीं दौड़ेगा जी। और मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, रोबिन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी सरकार ने इनिशिएटिव लिया है जिसमें उसने बहुत बड़ा फंड नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए रखा है, और साथ में डिजिटल इंडिया में 2.5 लाख विलेज पंचायत तक पहुंचने का उनका सपना है कि जहां पे इंटरनेट की वायर पहुंचाई जाएगी जी। तो मुझे लगता है ये दोनों इनिशिएटिव जो हमारे आगे 5 साल में आने वाले हैं जी, उस दौरान जरूर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सड़कें और हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी सब गांवों तक जरूर पहुंचेगी। एक बात मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सुझाव, मेरा ये फीलिंग है कि ये जितना भी कर रहे हैं उनको टाइम फ्रेम वो करना, टाइम फ्रेम के साथ में एक्सपर्ट को करने देना है, अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, और वहां लोगों को इन्वॉल्व करना है, तो अब हमारे इस देश के हिस्सा जो है ना, कहते हैं कि आप बहनों को भी हम आगे ले जा सकते हैं। आप लोगों से भी हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन जरूर याद रखिए कि अगर आप हमारे बिग बिजनेस आइडियाज में हमारे मेहमान बनना चाहते हैं तो आपके पास भी एक सुनहरा मौका है। टैप फॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए मेक इन इंडिया रेड के अंदर, और जब आपसे वहां पर सवाल पूछा जाए, जिसमें से एक सवाल आप अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसका जवाब दीजिए, इनाम भी पाइए और हमारे मेहमान भी बनिए। स्टे ट्यून्ड। बिजनेस नॉलेज, बिजनेस एक्सपीरियंस, बिजनेस नेटवर्क, बिजनेस ओपिनियन, ऑल दिस कैन बी शेयर्ड ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म, इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम। To become a member, log on to www.iebf.org. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज। हिबू सर, आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे, जब आप वर्दी पहन लेते हैं
तो अपने आप ही देश सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो आप अपनी रेगुलर पुलिस ड्यूटी से आगे जाकर भी लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे पास आपके लिए छोटा सा सरप्राइज है, आई होप यू लाइक दैट। प्लीज कुछ यादें ताज़ा हो गई आपकी? थैंक यू यार, इट वाज समथिंग रियली वंडरफुल यार, आपने जो अच्छा रिकॉर्ड किया है। मैं समझता हूँ कि एक वर्दी तो मेरी मेहनत के देने इस देश के निशान है जी। मैं समझता हूँ कि देशभक्त होने के लिए सिर्फ वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है। यस, हर एक भारतवासी के दिल में होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं आप उसको दिल लगा के करें। बिजनेस तो करेंगे ही करेंगे जी। लेकिन बिजनेस के साथ में इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। सर आप मुझे एक बात बताएं, हम जब रेगुलर पुलिसिंग जॉब की बात करते हैं, इट इज सो डिफिकल्ट, यू आर ऑलवेज ऑन द टोस 24/7, उसके बावजूद क्या आपके पास कोई अलग से 25वां घंटा भी है जिसमें आप काम करते हैं इस तरह से? मैं समझता हूँ कि एक जो पुलिस ऑफिसर है वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर कानून रखवाला ही नहीं, वो एक मैं समझता हूँ कि एक सोशल सर्विस एक ओरिएंटेड जॉब है। लोगों को सेवा करना चाहिए, जैसे हमने ब्लड बैंक नोटिस वालों के लिए खोला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के साथ मिलके, और जितना भी नोटिस वाले जो आएगा वहाँ एवरी संडे ब्लड डोनेट करते हैं, और जिनको जो 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 नॉन गवर्नमेंटल सर्विस में जो काम करते हैं, दिल्ली में इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत है हम उनको मुआयना कराते हैं 24 घंटे। दिल्ली NCR रीजन में कोई आदमी नोटिस से अगर गरीब आदमी मर जाते हैं तो उनका शरीर को नोटिस तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है, उसको हम विद रेस्पेक्ट उनको, अगर ईसाई है तो ग्रेवयार्ड में बरी करते हैं, हिंदू है तो पंजाबी बाग जो क्रेमेटोरियम में उनको अंतिम संस्कार कर देते हैं, अगर मुसलमान है तो कब्रिस्तान में हम दफन कर देते हैं। हम अच्छा, एक अच्छा ग्रुप बना हुआ है हेल्पिंग हैंड NGO करके, उसमें IAS भी, IPS भी, सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी, इनकम टैक्स ऑफिसर भी, सारे मिल करके, ताकि जो हमसे बन सकता है, हम जो ग्रुप से हम जो बन सकता है पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं देख सकती थी कि आप सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है बच्चियों के लिए उस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ये कैसे शुरू हुआ आपके लाइफ में? मैं समझता हूँ कि एक आत्मविश्वास, सेल्फ रिलायंस, और सेल्फ रिलायंस साइकोलॉजिकली, फिजिकली एंड मेंटली, जिसको जिनको जैसा अभी मैं आपको बताना खुशी होती है कि मेरी बेटी दिल्ली चैंपियन है, नेशनल में भी मेडल मिला है। आप जो वो नहीं सीखी थी तो जो भी कुछ करते थे डर के मारे रो रो करके मेरे पास आते थे। आप कुछ भी कहीं भी होता है तो सबसे पहले आप पोजीशन ले लेते। हर हिंदुस्तानी लड़की को ये सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। सरकार को हमने दिल्ली पुलिस लिख के भी दिए हुए हैं कि क्यों ना इसको कंपलसरी बनाए। एंड दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट आई थिंक, बिकॉज़ इट्स अ स्किल। दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी बुकलेट भी निकला हुआ है, आप ही लोगों ने बहुत उसमें साथ दिया है, उसमें ऑलरेडी फिल्म बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ डिफेंस एक ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमारे हिंदुस्तान लड़की के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल और इमोशनल जो आपने बोला इंडिपेंडेंस जरूरी है, साथ में इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस भी जरूरी होती है। तो सुनील जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज के समय में जो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस है वो हमारी सरकार हमारी लड़कियों के लिए या हमारी युवाओं के लिए किस तरह से और आगे बढ़ा रही है? कुछ स्कीम्स की आपने खास तौर पर बात की थी। मैं एक और स्कीम बताना चाहूंगा जो नॉर्थ ईस्ट के लिए खास तौर पर है, वुड क्राफ्ट बहुत करते हैं वहाँ पे, और आर्टिजन बहुत हैं वहाँ पे जो कि हैंडीक्राफ्ट बहुत करते हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है MSME मिनिस्ट्री की, कि यदि मान लीजिए आप 500 आर्टिजन मिल जाते हैं तो आप 3 तरह के क्लस्टर बनते हैं, मिनी क्लस्टर, मेजर क्लस्टर और हेरिटेज क्लस्टर। ओके, तो मिनी क्लस्टर के लिए 500 आर्टिजन चाहिए होते हैं, मेजर के लिए 1000 चाहिए होते हैं, और हेरिटेज के लिए 2500 आर्टिजन चाहिए होते हैं। ओके, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये आर्टिजन की संख्या 50% कर देते हैं। मतलब अच्छा, अगर नॉर्थ ईस्ट वाले लोग होंगे तो मिनी 250 आर्टिजन बना लेंगे तो उनको गवर्नमेंट से 1.5 करोड़ की सहायता मिल जाएगी, 500 मिल जाएंगे तो 3 करोड़ की। ब्यूटीफुल। और अगर 1200 मिल जाएंगे जो कि हेरिटेज क्लस्टर है तो 8 करोड़ की सहायता मिलती है। ये nice. खास स्कीम है जी। एक और स्कीम है नॉर्थ ईस्ट के लिए जो स्पाइसेस होते हैं उनकी यदि आप प्रोसेसिंग करते हैं जी, तो उसमें सरकार आपको एक मेजर सब्सिडी देती है
33% की कि जो भी प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगी उसकी 1/3 कॉस्ट सरकार बियर करेगी। जी। एक मैं और बताना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के गांवों में बैठे हैं जिनके पास कुछ कला है, जो आर्टिजन है, अपना कोई ना कोई वुड कार्विंग करते हैं, कुछ और काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है कि जब भी हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगती है और एमएसएमई की एग्जीबिशन में वो अगर अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं तो उनको बाय एयर आने जाने का इकोनॉमी का फेयर 100% रीइंबर्समेंट होता है। ओके। और पूरा का पूरा किराया जो उस स्टॉल को लगाने में मिलता है वो भी सरकार देती है, तो इस योजना का मुझे लगता है उन्हें जरूर फायदा उठाना चाहिए। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्ट, पैसा देने के अपार्ट फ्रॉम दैट, कि ये जो चीज जो है ना, कहाँ सेल करना है, मार्केटेबिलिटी। बट आई थिंक देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स। टी की बात करें तो पूरे देश में जितनी टी पैदा होती है उसकी 50% से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में पैदा होती है। बिल्कुल। तो यदि मान लीजिए उसकी मार्केटिंग करना चाहें तो दो पोर्टल हैं गवर्नमेंट के, एक B2B के लिए, एक B2C के लिए। ओके। यदि वो किसी बिजनेसमैन को अपना देना चाहता है, दुकानों को देना चाहता है, होलसेल में, या वो कंज्यूमर को देना चाहता है, तो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है msmemart.com। ओके। जिसमें गवर्नमेंट ये भी आइडेंटिफाई करके बताती है कि आपकी कहाँ बिकेगी, कैसे बिकेगी, किस रेट पे बिकेगी। प्राइवेट बहुत सारे प्लेटफॉर्म है बट वो फ्री है, वो फ्री है, जिसमें की कमीशन सरकार नहीं लेती। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट का 98% बॉर्डर जी विदेशों में लगता है, जैसे कि बांग्लादेश में लगता है, भूटान में लगता है, एक्सपोर्ट इज मच इजियर देन, चाइना में लगता है, तो हमें देखना चाहिए उसको एक रूट के रूप में। बिल्कुल। तो यदि इन स्टेट को हम प्रयोग करेंगे वहां के एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब उन जो छोटी ये कंट्री है जो चारों मैंने बताई है, इनकी पूरी सप्लाई हमारे देश से हो सकती है। Yes. इसमें मैं दो चीज जोड़ना चाहूंगा। नंबर वन, जो आपने बहुत अच्छा कही है, आई थिंक मुझे भी नहीं मालूम था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बिग बिजनेस आइडिया से जी. जितना भी जो आपने जो बताया है डॉक्यूमेंट करके हमारा नोटिस वालों के लिए, आज बिग बिजनेस आइडियाज के मंच पे हम आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऐसा एक बुकलेट हम जरूर निकालने वाले, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉर्थ ईस्ट। दूसरा, असम वाला तो बिल्कुल वो तो मोर रिलेटेड लाइक बाकी हिंदुस्तान जैसा है, बाकी में पहाड़ों में रहते हैं, उनको साथ चैलेंज आई फील फॉर हमारा देश। मैं यहाँ बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट J&K ये स्टेट का जो युवा है इसके पास बहुत टैलेंट है, यदि इसको भी हमने मेन पूल में ले आए और मेन स्ट्रीम में ले आए तो हमारी GDP की ग्रोथ भी ज्यादा होगी, देश की ग्रोथ भी ज्यादा होगी और जो हमारा युवा है उसको एक डायरेक्शन मिलेगी। एक बात बता आप बोलेंगे, अगर नॉर्थ ईस्ट में इतना खेलकूद में हम खून में हमारा खेलकूद में, मैं समझता हूँ कि अगर इसको स्पोर्ट्स का जितना एकेडमी वही कर दो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कराटी हो, जो भी हो, आई थिंक एक बहुत अच्छा है कि इसको भी जो है ना अगर मेडल की संख्या बढ़ जाए, बड़ा हो सकता है, और इसको भी एक बहुत अच्छा एक बिजनेस की तौर की ऑलरेडी बिजनेस इन्वेस्ट करें, वहीं पे चला है, सिर्फ ओलंपिक के समय में ना कराए, पूरे साल चलेगा, पूरे साल में नहीं, नो अभी से, अभी से, अभी से, अभी से कर लिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल, बोथ ऑफ द थिंग्स, एग्जैक्टली। एंड आई थिंक कौन अपने घर से, अपने अपनी भूमि से दूर जाके काम करना चाहते हैं, सब अपनी जगह पर रहना चाहते हैं, बस जरूरत है कि उन्हें जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की या जिन चीजों की जरूरत है वो उन्हें वहीं पर मिल जाए। आप सभी से भी हम लोग यही गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारा देश एक है, फिर चाहे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, चाहे हम साउथ इंडिया की बात करें, चाहे हम J&K की बात करें या हम दूर गुजरात की बात करें, लेकिन हम सभी को ये समझना ज़रूरी है कि हम सभी की रगों में एक ही लहू है और उस लहू का रंग सिर्फ हमारे देश का नाम पुकारता है। ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद हम जवाब देंगे उन सवालों के जो आपने हम तक पहुँचाए हैं। स्टे ट्यून्ड। बेटा आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। एक बार फिर से स्वागत है आपका और अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। तो पहले हम लोग मेल के सवाल ले रहे हैं। पहला सवाल हमारे पास आया है अशोक मिश्रा जी का, बिहार से। आप कहते हैं कि आप एक SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए इन्हें फाइनेंस कहाँ से मिल सकता है? देखिए, इनको मुद्रा योजना से भी मिल सकता है और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो हमारा है वो SC/ST वर्ग के लिए विशेष सुविधा देता है, जिसमें आपका मार्जिन मनी 5% तक होता है और आपको सब्सिडी भी मिलती है। लखनऊ से रुखसार अली हैं। आप कहती हैं कि आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं और आपकी मंथली सैलरी 10,000 रुपए है। आप घर खरीदना चाहती हैं, तो क्या इसके लिए इन्हें मुद्रा से कोई मदद मिल सकती है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मुद्रा से मदद व्यवसाय करने के लिए मिलती है। आप कोई अपना उद्योग धंधा बिजनेस सर्विस खोलना चाहें, लेकिन हाँ इन्हें बताना चाहूंगा कि यदि इनको लोन चाहिए हाउसिंग के लिए जी। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल, जिसमें कि अगर ये घर ऐसा खरीदती हैं जिसकी कीमत कम हो, EWS में आता हो, तो इनको 6% ब्याज पे किसी भी नेशनलाइज बैंक से लोन पे पैसा मिल सकता है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब हम लोग सवाल ले रहे हैं जो ऑडियो क्लिप से आए हैं। हेलो BBI, मेरा नाम ऋषि गडियार है और मैंने रिसेंटली अभी CA कंप्लीट किया है 2016 मई में। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बेसिकली इंटरेस्टेड हूँ टीचिंग में और मैं पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैं इसको लेकर एक बड़ा सा सेटअप बनाना चाहता हूँ, एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ, बट मैं फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो मैं फाइनेंशियली कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सकूँ और कैसे अपने ड्रीम को कम्प्लीट कर सकूँ, मुझे थोड़ा गाइडेंस दें, थैंक यू। ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाएं और लैंड लें और बिल्डिंग में खर्च करें। आप इनिशियली ये बिल्डिंग किराए पे ले सकते हैं जो कि सस्ते दामों पे मिलती है, और किराए पे लेके अपना इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद किसी भी योजना में प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो प्रोफेशनल के लिए हर नेशनलाइज बैंक की और प्राइवेट बैंक की एक अलग योजना होती है, जिसमें वो आपको बहुत ईजी टर्म्स में 10% के आसपास ब्याज में आराम से लोन मिल सकता है। आई होप वो इससे पूरी तरीके से फायदा उठा सके। रॉबिन सर, आपको बता दूं कि अब हम लोग आ गए अपने प्रोग्राम के उस सेगमेंट में जिसे मैं कहती हूँ शिल्पा भावना स्पेशल। ये हमारे गेस्ट के लिए खास राउंड होता है। आपको बताऊंगी इसके रूल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों के लिए आपका आज का बिजनेस मंत्र। मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आपके जीवन में कठिनाई आती है तो वो आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती। वो कठिनाई आती है आपके अंदर छुपी हुई सामर्थ्य है और शक्ति को बाहर निकालने के लिए। वेल, अब मैं आपको बता दूं रॉबिन सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गेम के रूल के बारे में बताऊंगी, इट इज अ रैपिड फायर राउंड। आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपको बहुत जल्दी जल्दी उसके जवाब देने, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तैयार है? ओके, राइट। चलिए, पहला सवाल, सोशल मीडिया के जरिए आप किसी की मदद कर सकते हैं, हाँ या ना? बहुत बड़ा हाँ। देश के नागरिक पुलिसिंग में मदद नहीं कर सकते? बहुत कर सकती है। पुलिस न केवल अपराधी को पकड़ती है बल्कि उन्हें कमाने का सही रास्ता भी दिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदारी से। रैंक दी स्टेट्स इन ऑर्डर ऑफ ब्यूटी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। फर्स्ट विदाउट हेजिटेशन सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल। ओके, देन रेस्ट मोर ऑर लेस इन द सेम कैटेगरी। सिक्किम सबसे खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत है। लास्ट सवाल आपके लिए, हु इज रॉबिन हिबू, अ टफ पुलिस ऑफिसर और एन इमोशनल सोशल वर्कर? बोथ। जहाँ पे टफ होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, टफ होता हूँ। और जहाँ पे इमोशनल होना है, मुझे मालूम कहाँ इमोशनल, कहाँ पे लोगों को मदद करें इमोशनल होना है। यस, बहुत डिफिकल्ट है, बट आई बिलीव इंसान को जो अपने कर्मण्य बरी करते महापले सुखदाचन, अपना जो कर्म की बात आता है, कोई इसमें कहीं पीछे नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी इस कार्य शैली को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं, एंड होपफुली यू कीप अप द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, और आपने हमारे साथ इतना बेहतरीन वक्त बिताया, इसलिए हमारे पास आपके लिए कुछ खास है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल गिफ्ट। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक लाइब्रेरी में रखी हुई गीता, कुरान या बाइबल कभी भी आपस में नहीं लड़ते, और जो लोग इनके लिए लड़ते हैं उन्होंने कभी किताबें पढ़ी ही नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं कि याद रखिए, एकता के बिना जन शक्ति कोई शक्ति नहीं होती। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि हम एक बन के रहें, नेक बन के रहें, ताकि हम सभी लोग अनेक हो सके। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाजत, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बिग बिजनेस आइडियाज़।